ग्यारहवें प्रकरण में मुक्ति का वर्णन करने के बाद इस बारहवें प्रकरण में श्री जी भक्ति के स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। पिछले ग्यारह प्रकरणों में अद्वैत सिद्धांत की परमोच्च भूमिका को स्वीकार कर एक ब्रह्म के अतिरिक्त अन्य कुछ है ही नहीं कहने वाले श्री जी अकस्मात भक्ति की बात कर रहे हैं, यह देखकर आश्चर्य होने की संभावना है। साधारणतया भक्त और भगवंत के बीच परस्पर आत्यंतिक प्रेम को भक्ति कहा जाता है। नारद महर्षि ने सात्वस्मिन परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपा च कहकर भक्ति को परिभाषित किया है। भक्ति में प्रेमी और प्रेमास्पद यह भेद स्पष्ट दिखाई देता है। मोक्ष साधन सामग्र्याम भक्तिरेव गरीयसी स्वस्वरूपानुसंधानम भक्तिरित्यभिधीयते। मोक्ष की साधन सामग्री में भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है और स्वस्वरूप के अनुसंधान को ही भक्ति कहते हैं कहकर भक्ति की महत्ता और उसके स्वरूप का वर्णन किया है। यद्यपि स्वस्वरूप के अनुसंधान को ही भक्ति कहकर आचार्य श्री ने भक्ति में द्वैत का अभाव ही दर्शाया है, तथापि स्वस्वरूप और उसका अनुसंधाता यह सूक्ष्म भेद फिर भी रह जाता है। अद्वैत की परमोच्च अवस्था में भक्ति का क्या प्रयोजन, यह प्रश्न अनुत्तरित ही रहता है। श्री नरहरि विरचित बोधसार ग्रंथ में इस प्रश्न का उत्तर मिलता है। द्वैतम मोहाय बोधात् प्राग जाते बोधे मनीषया भक्त्यर्थम कल्पितम द्वैतम अद्वैतादपि सुंदरम पारमार्थिकम अद्वैतम द्वैतम भजन हेतवे तादृशी यदि भक्ति स्यात् सा तु मुक्ति शताधिका। बोध से पहले का द्वैत जीव को मोह में डाल सकता है, परंतु बोध हो जाने पर कल्पित द्वैत अद्वैत से भी अधिक सुंदर होता है। वास्तविक तत्व तो अद्वैत ही है, पर भजन के लिए द्वैत है। ऐसी भक्ति मुक्ति से सौ गुनी श्रेष्ठ है। गीता में भी श्री भगवान कहते हैं, ये भजन्ति तु माम भक्त्या मैते तेषु चाप्यहम्। परंतु जो भक्तिपूर्वक मेरा भजन करते हैं वे मेरे में हैं और मैं उनमें हूँ। अतः श्रीजी यहाँ जिस भक्ति की बात कर रहे हैं वह ज्ञानोत्तर भक्ति है। ज्ञान से पूर्व की भक्ति में द्वैत है, ज्ञानोत्तर भक्ति का फल अद्वैत है। इसीलिए श्रीजी अपने एक पद में भी कहते हैं, राम कृष्ण संत सज्जन महंत भक्त भगवंत भक्त भगवंत एक रूप एक रूप भक्ताची धूली भगवंत लोळे ऐक्याचे सोहळे ऐक्याचे सोहळे व्यास तो वदला व्यास तो वदला। ऐसी अद्वैत भक्ति का वर्णन करने के लिए श्रीजी इस बारहवें प्रकरण का आरंभ करते हैं। ओलांडुनी आत
सुनी मुख्य देवा भजावे। अरे सत्य हे सत्य सत्य त्रिवाचा विना भक्ति हा श्री प्रभु लाभ कैचा। म्हणोनी प्रभु पाद पद्मान मावे कृपा के लिया तत्पदीलीन भावे। कृपाति अहम् ब्रह्म स्फूर्ति सिमारी कृपाति महासंशयातु नितारी। कृपाति महाकल्पना घालवी हो कृपा श्री प्रभुंचा पदी बैसवी हो। कृपाति अनिर्वाच्यही बोलवीते कृपाति महागुप्तही दाखवीते। कृपेने पहा दृश्य मिथ्याच भासे कृपा झालिया काळही त्यान ग्रासे। सदा श्री प्रभु लीन भावे भजावा प्रभु सन्निधि मी पणा तो नसावा। अहंता गुणे श्री गुरु मी च मानी महारौरवा भोगितो नीच योनी। जनी दंभयोगे मुखे नाम घेतो सदा जन्म जन बद्ध हो तो। अरे हे महावाक्य घेनी टकानी स्वरूपी अहंता कदापि न आई।